गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, आज असीं पहला मूड वेखिया पिंड दे क्वेश्चन करांगे, वन मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, उन्हां लेटी मैं तुहानूं असाइनमेंट सेंड कर दांगी, तुसीं हरेक क्वेश्चन आंसर दो तीन शब्दां ही लिखना है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आइए, मूड वेखिया पिंड वार्तक है, कविता है, कहानी है? वार्तक। पहला क्वेश्चन में लिखो, मूड वेखिया पिंड की है, वार्तक है, कविता है, कहानी है? तुसीं कहिंदे वार्तक लेख है। नहीं, खाली आंसर। सेकंड क्वेश्चन, आंसर देने सब ने। ठीक है, मूड वेख्या पिंड का अच्छी तरह रिवाइज तो किया है ना? ठीक है, अच्छी तरह रिवाइज किया ना सब ने? ठीक है ना, उन पर कराने की लोड़ नहीं, वन मार्क्स क्वेश्चन ही कर दे असाइनमेंट। लेखक ने थाने रिपोर्ट कदों लिखवाई सी? यस, लेखक ने थाने रिपोर्ट कदों लिखवाई सी? ऑनलाइन वाले भी तो ऑफलाइन वाले बच्चे हैंड रेज करो, थाने रिपोर्ट कदों लिखवाई सी? हाँ बेटा, 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1962 दे विच। ठीक है, कदों लिखवाई सी थाने रिपोर्ट? 16 अक्टूबर 1962 दे विच। 34 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, थर्ड है, तुसी नाल ना लिखी जो शॉर्ट फॉर्म दे विच। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, लेखक दे पिंड दा की नाम सी? ये तो पता होना है, किन्नी बारी किता है आपा लेखक दे पिंड दा परन? यस बेटा, मैम सानिया दा मोहल्ला, मैम लेखक दा पिंड सारा भूल गए, तेरा तेरा पिंड पिंड। यस, वेरी गुड। लेखक दे पिंड दा की नाम सी पेरा, पिंड दा की नाम सी पेरा पिंड। वो नाम लिख लो ना पिंड, हाँ लिख लो पिंड का नाम। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, लेखक किन्ने साल बाद अपना पिंड देखने गया सी? 40 साल बाद। वेरी गुड, किन्ने साल बाद? 40 साल बाद। ठीक है, मैं खाली आंसर ही लिख रही है बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन, लेखक सॉरी 40 साल पहला लेखक की उम्र किन्नी सी? ले 40 सोलह नहीं, प्रणय देख लो, आंदे नहीं मुझे प्रणय। यस बेटा प्रणय, आठ 40 नौ साल 8-9 साल। मैम सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन सी बेटा, लेखक जरा कदों गया सी अपना पिंड देखन, कदों गया सी? ठीक है, बस मूड वेख्या पिंड की है वार्तक लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरा शहर कितना कूसी? पेरा शहर कितना कूसी? छोटा हाँ, छोटा या निक्का जिया? बेटा पेरा शहर या पेरा पिंड कितना कूसी? निक्का या निक्का या छोटा जी? हाँ, तेरा पिंड किन्ना कुसी? निक्का जी। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन, पिंड विच केड़े केड़े मोहल्ले सन? पिंड विच केड़े केड़े मोहल्ले सन? हाँ बेटा, सानिया नंदा दी खोर सी, कोलियां दा ऐसी सी ना बेटा, ठहरेन। यस बेटा, पिंड विच केड़े केड़े मोहल्ले सन? मैम पिंड विच तीन मोहल्ले सन, उन्हां दा नां सानिया दा, नंदा दा ते कोलिया दा मोहल्ला सी। सानिया कोलियां ते अनंदा दा मोहल्ला। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है किन्ने मोहल्ले सन, 3, 4 या 2? ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो सानो भी पता नहीं होना, 3। ठीक है, नेक्स्ट हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट है, मेला मेला किथे लगदा सी? मेला किथे लगदा सी? अपहरण। चिड़ी चौक विच हाँ, चिड़ी चौक दे विच। बेटा नोट करो, कोई कोई भी क्वेश्चन नहीं आता पुत्र, ये तो मैंने 9C वाले बच्चे ने पूछा था।
ठीक है, मेला किथे लगदा सी? चिड़ी चौक विखे। ठीक है, मेला किथे लगदा सी? चिड़ी चौक। सारे आंसर मैं लिखवा रही हूँ, तुसी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, लेखक नू गुड्डी औरत किस वांग लगती सी? हाँ, अपनी माँ वांग। लेखक नू गुड्डी औरत किस वांग लगती सी? अपनी माँ वांग। तो गुड्डी औरत कितने बैठी हुई सी? बस विच। गुड्डी औरत कितने बैठी सी? बस दे विच। ठीक है, लेखक नू बुढ़ी औरत किस वांग लगती सी? अपनी माँ वांग। ते ओ किथे बैठी सी? बस विच, लेखक दे नाल दे सीट विच। ठीक है, नाल दे सीट ते। नेक्स्ट है, देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दो तीन होर भी आ रहे हैं माइंड विच, ठीक है, जो करवा रही हूँ। नेक्स्ट है, बस किथे आके रुक गई? बस किथे आके रुकी सी? यस, ऑनलाइन वाले बच्चे थे, ऑफलाइन वाले बच्चे। बस किथे आके रुकी सी? रेज योर हैंड बेटा, बस किथे आके रुकी सी? जायती मैम, पुल्लोवाल। यस, बस किथे आके रुकी सी? पुल्लोवाल। पिंड का नाम है? हाँ, बुढ़ी औरत दे, बुढ़ी औरत किथे बैठी हुई सी? बस दे विच, लेखक दे नाल दी सीट ते। ठीक है, ऐ मैं असाइनमेंट दे अकॉर्डिंग दस रही, फोन नंबर पाए ना। ठीक है, किथे आके रुकी सी? पुल्लोवाल। नेक्स्ट है, पुल्लोवाल तो पेरा किन्नी दूरी ते सी? पुल्लोवाल तो पेरा किन्नी दूरी ते सी? जसलीन, किन्नी दूरी ते सी? 10-12 मील। हाँ, किन्ने मील दी दूरी ते सी? 10-12 मील दी दूरी ते। किन्नी मील दी दूरी ते सी? 10-12 मील, 10-12 ही, 10-12 मील दी दूरी ते। एने रेस का था तो उतार ले। दस बारह मील दी दूरी ते। नेक्स्ट है, लेखक कोल अपना पिंड देखने लिए कितना समय सी? 3 घंटे। लेखक कोल अपना पिंड देखने लिए कितना समय? 3 घंटे। नेक्स्ट है, लेखक अनुसार पेरे दे मुकाबले किड़े इलाके रुखे सन? लेखक अनुसार पेरे दे मुकाबले किड़े इलाके रुखे सन? भाव की ज्यादा वधिया नहीं सन, किड़े इलाके रुखे सन? लेखक दे अनुसार पेरे दे मुकाबले किड़े इलाके रुखे सन? रुखे मतलब किड़े इन्ने वधिया नहीं सन। नो नो, धैर्य। ले ये एक सेकंड। यस हैरिन, एक सेकंड, दोबारा पढ़ो। लेखक अनुसार शहर दे बाहर दा इलाका? नहीं, गलत है। लेखक अनुसार पेरे पिंड, बेटा पेरा पिंड, ठीक है, पेरे पिंड दे मुकाबले केड़े इलाके रुखे सन? सरगोदा या चंग दे इलाके? सर लिखन लगी ना, हटी सरगोदा या चंग दे इलाके? ठीक है, सरगोदा भी कह सकते हैं चंग, जेड़े पाकिस्तान, मैं बोल रहा हूं, जेड़ा पाकिस्तान च होंदा ना उन्हें सरगोदा आपां कहंदे, जिहड़ा जन्म पाकिस्तान च होया था, सरगोदा। ठीक है, सरगोदा या चंग दे इलाके। नेक्स्ट है, पेरे विच सब तो पहला मुहल्ला, ठीक है, पेरे दे विच सब तो पहला मुहल्ला किहदा आंदा है? सहानिया दा मुहल्ला। सब तो पहला मुहल्ला किहदा आंदा है? सहानिया दा मुहल्ला। देखो ते ऑप्शन आ रहे हैं तुहानू, साड़ियां, कोलियां, नंदा। जे तुहानू करैक्ट आंसर पता होगा तो एमसीक्यू दा आंसर तां ही दे सकदे हो, वरना तुहानू आएगा ही नहीं। ठीक है, प्रोपर हरेक दा एग्जैक्ट आंसर पता होगा, एमसीक्यू तां ही करने हैं। सब तो पहला मुहल्ला किहड़ा आंदा है? मैं बाद चो। नेक्स्ट है, बस दा अड्डा शहर दे पिछले दरवाजे उपर, सॉरी, हाँ, बस दा अड्डा शहर दे पिछले दरवाजे उपर बनिया सी, उसनू की कहंदे हन? ओ दरवाजे नू की कहंदे सी?
ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਦਾ ਅੱਡਾ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਰਵਾਜਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਜਾਇਤੀ ਬਲੋਚੀ ਦਰਵਾਜਾ ਬਲੋਚੀ ਦਰਵਾਜਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈਏ ਪੁੱਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲਿਖਵਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੋਚੀ ਦਰਵਾਜਾ ਬੱਸ ਦਾ ਅੱਡਾ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭੇਜਾਂਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜਾ ਸੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦਰਵਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲੋਚੀ ਦਰਵਾਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਜਾਇਤੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਡ ਖੂਹ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਖੂਹ ਸੀ ਵੈਲ ਖੂਹ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਖੂਹ ਸੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਾਇਤੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੈਲ ਖੂਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਖੂਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜਸਲੀਨ ਯੈਸ ਚਾਚਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਖੂਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਆਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੇਖਕ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੇ ਚਾਚਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਯੈਸ ਬੇਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਆਫਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਖਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਖਕ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਲੱਕੜਵੜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਲੱਕੜਵੜ ਹੈਗਾ ਲੇਖਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜਾ ਕੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲਾ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਨਵਾਂ ਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਖਕ ਹਾਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚਾਚਾ ਲੇਖਕ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਯੈਸ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡ ਬੇਟਾ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ
हाँ चौधरी गुलाम मोहम्मद, यस हेरिन मैम, चौधरी गुलाम मोहम्मद, यस की नाम थी चौधरी गुलाम मोहम्मद की नाम से 22 क्वेश्चन है ठीक है, चौधरी गुलाम मोहम्मद, बाकी ध्यान दे, चौधरी गुलाम मोहम्मद, नेक्स्ट है 33 के बेटा, लेखक लेखक दे चाचा जी ने किस नू चाह पानी बना ली क्या सी, अपनी पत्नी नू, ठीक है बेटा 21 नवा कर, नहीं पत्नी लिखो, पत्नी लिखो, लेखक दे चाचा जी दे बेटे दा की नाम सी, जेड़ा चाचा जी दा बेटा सी उहदा की नाम सी, अपहरण अनवर, हाँ अनवर, बेटे दा की नाम सी अनवर, नेक्स्ट है चौधरी साहब दे दोस्त दा की नाम सी, चौधरी साहेब दे दोस्त दा की नाम सी, चौधरी साहेब दे दोस्त दा की नाम सी, पता किस नू मोहम्मद, उन सारे की कहंदे सी दोस्त मोहम्मद कहंदे सी, ठीक है दोस्त नू की कहंदे सी दोस्त मोहम्मद, चौधरी साहेब दे दोस्त यानी कि फ्रेंड का की नाम सी, उन्होंने सारे की कहने से दोस्त मोहम्मद कह के बुलाते सी, मोहम्मद है नाम देख देख कि जो नेम होता है स्पेलिंग होता है मम्मी देख, चौधरी गुलाम मोहम्मद, चौधरी गुलाम मोहम्मद है दोस्त का की नाम सी, ठीक है दोस्त मोहम्मद, देखे लेख दे चाचे दे दोस्त मोहम्मद, नेक्स्ट है चौधरी साहब सॉरी नेक्स्ट है मोहम्मद साहब ने किस दी देखभाल कीती सी, मोहम्मद जिहड़ा सी मोहम्मद ने जिहड़ा चाचा दा दोस्त सी उन्होंने किस दी जिहड़ी की देखभाल कीती सी, दीवान देश राज सहानी, दीवान देश राज सहानी दस दिया, दीवान देश एक सेकेंड राज सहानी, रिपीट कर रही हूं, गुलाम मोहम्मद ने जो चाचे के दोस्त सी उस ठीक है दोस्त मोहम्मद सी उन्होंने किन्हां दी सेवा की सी, जो उनकी उम्र जी की घट सी जो जवान सी कि सेवा की सी, दीवान देश राजधानी, बेटा दीवान देश राजधानी किसी बैरिस्टर सन, ठीक है बैरिस्टर मतलब वकील, जज जिन्होंने वकील या जज कहने, ठीक है अभी आ सकता है क्वेश्चन, बैरिस्टर साहब कौन सॉरी देश राजधानी कौन सन, बैरिस्टर ठीक है वकील जिन्हों कहने, ठीक है वो किसी अपने जमाने के बड़े मन्ने सन, बड़े वे वकील सन, बैरिस्टर सन, उन्होंने परिवार की जो देख रेख है केयर टेकर जिन्होंने आप कह देते हैं केयर टेकर कौन सी, दोस्त मोहम्मद, दोस्त मोहम्मद बैरिस्टर, दोस्त मोहम्मद केयर टेकर से, ठीक है उन्होंने पिंड कोई रहता से नाम से दीवान देश राजधानी वो सी बैरिस्टर, ठीक है दीवान देश राजधानी कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, दीवान देश राजधानी कौन सन, बैरिस्टर, ठीक है दीवान देश राजधानी कौन सन, बैरिस्टर वकील, नेक्स्ट है दो तीन क्वेश्चन है, सिकंदर दी उम्र किन्नी सी, सिकंदर जो फ्रेंड सी, सिकंदर दी उम्र 30-35 साल सी, ठीक है सिकंदर की उम्र कितनी सी 30-35 साल, 30-35 ईयर, नेक्स्ट है लेखक नू पौड़ियां चढ़ के की नजर आया, जो पौड़ियां चढ़िया सी पौड़ियां चढ़ के की नजर आया सी, लेखक जो पौड़ियां चढ़िया सी, लेखक नू पौड़ियां चढ़ के की नजर आया,
लेखक नू बेटा सिकंदर भाई ते सिकंदर सी उनका दोस्त सी 28 क्वेश्चन आंसर है नहीं नहीं भाई ते सा ठीक है सिकंदर भाई ते साल दा सिकंदर कौन सा दोस्त तेरी एज कितनी सी 22 23 साल ठीक है नेक्स्ट है लेखक किस दा कमरा देख के बहुत ज्यादा रो पिया सी या उनको किस दी याद आई सी हाँ अपनी भैन दी ठीक है जो मर चुकी सी तुसी 33 33 अपनी प्योर नोटबुक से करने हैं ठीक है एक दो शब्दों के बीच ओके ठीक है एक दो शब्दों के बीच मैं तुम्हें सेंड कर दांगी बेटा ठीक है पीडीएफ असाइनमेंट तुसी अपनी प्योर नोटबुक से कर लेना है ओके बेटा वेट आए बेटा थोड़ा टेस्ट भी है टेस्ट केड़ा है वैमी ताया ते दूसरा शुद्ध करो ठीक है शुद्ध करो बेटा तुम ऑप्शन दे के या फिलअप दे विच भी आ सकते हैं ठीक है सारिया जेडे की ऑप्शन नु अच्छी तरह पढ़ के ताई तुसी की है जेड़ा करेक्ट ऑप्शन है टिक लगानी है ठीक है ब्लैंक्स दे रूप विच भी आ सकते हैं ते कोई शुद्ध करो करना नहीं ठीक है हुन आपां वैमी ताया रिवाइज कर लेने आ आज बेटा थोड़ा टेस्ट के शुद्ध करो ते दूसरा वैमित आया वैमी लाया कर असि कर रहे शुद्ध करो कर ले रहा शुद्ध करो दे मैं रूल कराई ना जिम्मे गगे ही थां ते गगा ते गगे ही थां ते गगा जजे ही थां ते चज्जा ठीक है ए सारे पता नु कराए सी ना इस तो इलावा हाहे वाले रूल कराए सी ठीक है हाहे तो पहले अक्षर दे ना पई होवे ता आपां पहले अक्षर नु सिहारी पाने आ दुला पई होवे ते हाहे नाल ठीक है इस तो अलावा शशे ही थां ते ससा पैंदा है पैरी ररा ही थां ते पूरा ररा पैरी बवा ही थां ते पूरा बवा या बेटा उस तो अलावा थानू कराए सी दो दीर्घ मात्रा ठीक है शशे ही थां ते ससा ठीक है दो दीर्घ मात्रा कट्ठिया नहीं पैंदियां भाव कि दो कन्ने कट्ठे या कन्ना प्लस ठीक है कन्ना प्लस भी आई दी मात्रा कट्ठी नहीं पैंदी ठीक है दो कन्ने कट्ठे नहीं पैंदे हाँ दस लगे हैं शुद्ध करो चाहे सिर्फ ने आ देखो बेटा जिमी आ देखो कन्ने वाला आकाश एक सेकंड ईमानदार समान ठीक है कोई भी स्पेल लिखने हैं जरा पहला कन्ना आएगा कटिया जाएगा ठीक है इस तरह बिहारी ते कन्ना इकट्ठा नहीं आंदे ठीक है बिहारी थाने सिहारी है क्योंकि बिहारी भी दीर्घ मात्रा है बिहारी भी की है दीर्घ मात्रा है बेटा ठीक है जिवें आकाश ईमानदार आ जा तो लिख लिया समान ठीक है जिवें चालाक हो गया आकाश आसमान आजाद ये पहला कन्ना कटिया आंदा दूसरा आंदा या जो कन्ना बिहारी ते कन्ना कट्ठा हो बिहारी कट के सिहारी आ जाती की और राजा का किसा नेम आ गया ना नेमिंग वर्ड थोड़ी आप कट कट सकते हैं नेम तो जो हम आप बुक के स्पेलिंग किसी का नेम लिखना हो जो स्पेल लिखना हो वही लिख दिए ठीक है ने बेटा कुछ ज्यादातर वर्ड दे बेटा ज्यादातर वर्ड दे कन्ने कट्ठे नहीं आते चल ओ हिंदी चाहते है ठीक है यस ओके बेटा आपने टेस्ट करके सबमिट करना है मार्क्स ऐड होंगे बेटा ओके बेटा बाय बाय बेटा।